सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शेख नईम, आप देख रहे होंगे टेक्निकल इन हिंदी। जैसे कि दोस्तों आप आज देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से कंप्यूटर में नेट कैसे चलाए। देखिए दोस्तों, बड़े इजी तरीके है, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। एक आपको USB की ज़रूरत पड़ने वाली दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप वीडियो में बंधे रहिए और चलिए टाइम ना ज़ाया करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर आपको पढ़ने वाली है। जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक USB की ज़रूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर USB की ज़रूरत पड़ने वाली। ये जो आपका ये पिन होता है, आपको ये PC में लगा देना है। और जो ये पिन होती है, ये आपको मोबाइल में लगा देना है जहाँ पर आप चार्जिंग करते हो। यहाँ पर जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये पिन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं ये पिन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये पिन इसमें लगा देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं लगाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। आप जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऊपर से ये ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपको साइलेंट नोटिफिकेशन के नीचे, आपको दिखा रहा होगा, एंड्रॉइड सिस्टम चार्जिंग दिस डिवाइस वीआई USB। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको नॉर्मल तरीके से दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद में आपको टैप फॉर मोर ये ऑप्शन पे क्लिक यहाँ पर आपको कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको फाइल ट्रांसफ़र, USB थ्रेडिंग और MIDI और PDP और नो डाटा ट्रांसफ़र। ओके दोस्तों, तो आपको दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा ओनली यहाँ पर डाटा ऑन आपको कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों नीचे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टेड बता रहा है, हमारा इंटरनेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, लोकल एरिया कनेक्शन फॉर इंटरनेट एक्सेस। यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटरनेट चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों क्रोम ब्राउज़र है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक कोई भी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए, मैं सर्च कर लेता हूँ इमेज। यहाँ पर नहीं तो मैं सर्च कर लेता हूँ दोस्तों ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल में जैसे पिक्चर, यहाँ पर ब्यूटीफुल पिक्चर में लिख लेता हूँ। जैसे ब्यूटीफुल पिक्चर लिखता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। इसमें पूरी आसानी तरीके से हम दोस्तों इंटरनेट इसमें कंप्यूटर में चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, हमारा इंटरनेट बड़ी आसानी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पर एक USB की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, जिसका हमने कनेक्शन मोबाइल में दिया है और दूसरा कनेक्शन हमने इसका PC में दिया है। उसके बाद में आपको USB थ्रेडिंग में जाकर यहाँ से उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको डाटा ऑन करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा इंटरनेट यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी तरीके से यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो चुका है। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम सी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बड़ी आसानी तरीके से बता। दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।